everybody. Myself Manisha Chauhan and I give you presentation on community. व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है और समुदाय व्यक्ति के जीवन में उसका बहुत महत्व होता है समुदाय का. Yes, yes. Proceed. समुदाय क्या बताओ? समुदाय समुदाय खुद ही संगठित नहीं होता. कम्युनिटी का समुदाय की विशेषता बताओ. एक चीज आप लोग अच्छे से जान लो, मैं इसी में बता देता हूँ. जब आप कोई चीज बोलते हो ना, कहीं लेक्चर देते हो, अब मान लो आपने चार पेज याद किया है, शुरू का तीन पेज भूल गए, तो दुनिया थोड़ी जानती है कि तुम कौन चीज याद किए हो. चौथे पेज से शुरू करो, ठीक है, चौथे को पहला पेज बना लो, ठीक है. yes. और फिर बीच में याद आए तो वहां से शुरू हो और पूरे कॉन्फिडेंट से चौथा पेज निष्कर्ष बोल दो पहले. yes. तो और तुम हीट कर जाओगे. तो जहां से याद होता है ना, वहीं से बोलो, क्योंकि तुम याद किए हो तो तुमको लग रहा है ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, लेकिन उनको थोड़ी पता है जो ऑडियंस है. तो तुम जहां से शुरू करोगे ना, वो पहला हो जाएगा. कम्युनिटी दो शब्द से मिलकर बना रहे हैं, कम और म्यूनिश. कम का अर्थ होता है टुगेदर, मतलब एक साथ. और म्यूनिश का अर्थ होता है टू सर्व, एक साथ. उसका पूरा अर्थ हो गया एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर. इसमें परस्पर यस प्रोसीड. हाँ, एक साथ मिलजुल कर जब रहते हैं. yes. तो कम्युनिटी होती है. तो एक साथ मिलजुल कर रहने से क्या होता है, हम की भावना होती है. क्या होता है? हम की वी फीलिंग होती है. जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ जैसा फील होगा. समुदाय की विशेषताएं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. समुदाय में एक समुदाय एक व्यक्ति से नहीं बनता, उसके लिए व्यक्तियों की आवश्यकता मतलब एक साथ होने की वो पड़ती है. तो ठीक है, नहीं ठीक है तुम्हारा. देखो टेक्निक क्या है, जहाँ से भूले जो याद आ रहा, मतलब मारते चले जाओ, रुकना नहीं है. आपने देखा आर्मी जब गन चलाती है, तो मान लो गन नहीं चल रहा है तो क्या करेगा, चलाती जाएगा धाएं धाएं. अब बीच में एक गोली काम नहीं किया, इसका मतलब थोड़ी भी रुक जाओगे. समझ गए? प्रोसीड. तो जल्दी जल्दी पॉइंट बता दो, बहुत अच्छा था आपका. और सेकंड में आता है हमारा वी फीलिंग होती है, समुदाय में वो वी फीलिंग पाई जाती है. और वो उसमें ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बेहतरीन.